अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम करते हैं। लाना था थोड़ा सा सामान जो कि किचन का सामान खत्म हुआ था, तो मामा ने मुझे पैसे दिए हैं कि जाओ स्टोर पे, जाओ फिटनी पाउडर लेकर आओ और बादाम शदाम जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ लेके आते हैं। अभी जाते हैं स्टोर पे, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है स्टोर, तो 2 मिनट का रास्ता है, स्टोर पे जाते हैं। स्टोर पे बस यही चीज़ें आने वाली हैं, फिरनी पाउडर और बादाम की गिरी है और क्या नाम है, इलायची है। इलायची है, चले मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। आपने कुछ खाना ले आया हूँ आपके लिए? नहीं नहीं कोई डेयरी मिल्क, कोई किट कैट? बेटा, मैं कौन सी छोटी सी बच्ची हूँ खाना है तो बताएं। नहीं, चले जाते हैं, मेहरबानी, लेके जाते शुक्रिया, हैं। आपने लिए कुछ? मैं स्टोर पे तो पहुंच आया हूँ, अब देखते हैं। फिरनी पाउडर, फिरनी पाउडर, फिरनी पाउडर, नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं मिल रहा। ये क्या अच्छा वाला पोशन है, यहाँ हो सकता है, यहाँ होगा, ज़रूर होगा। यार कहाँ चला गया है, फिरनी पाउडर ही नहीं मिल रहा आज। यहाँ पर जी भाई ने मुझे दिया है ये वाला, लेकिन ये मैंने, हमने कभी ये यूज़ नहीं किया ये वाला ना। ये है, ये भी है, लेकिन हमने वो दूसरा जो दूसरा होता है डिब्बे वाला, वो हम वो यूज़ करते हैं, वो हमें मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पर। वो दूसरा होता है, ये वाला भी नहीं है। राइस फ्लोर इसी को बोलते हैं यार, ये लिखा भी हुआ है राइस फ्लोर। कंपनियाँ जो सी है ना, कंपनियों का आ जाता है चेंजिंग, और कोई मसला नहीं। चलें आप ये रख लें, मुझे, मैं दूसरी चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है? भाई ने तो मुझे ये वाला दिया, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए था। मैं जो हम यूज़ करते हैं ना ब्रांड वाला, वो वाला चाहिए, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सो अब आगे देखते हैं एक दफ़ा और। हम ये दूसरे पोर्शन में आए हैं, ऐसे के वो डिब्बे बने होते हैं जैसे ये पड़े हुए हैं ना, ऐसे का वो होता है, नहीं। वो नहीं है आपके पास? ये वाला ही है। अब फिर इंटरनल बॉक्स वगैरह पड़े मेरा चैनल। तो फाइनली अब फिर चलते हैं, बादाम वगैरह पड़े हुए हैं आपके पास? बादाम वगैरह लेते हैं अब यहाँ से, क्योंकि बहुत मुझे याद आया यहाँ से सेल भी लेने हैं घर के लिए, तो एक ये ले लेते हैं, चार ही ले लेते हैं क्योंकि घर के ख़त्म हुए हैं। ये सेल भी, ये इसका टोटल कट, एक ये ले लेते हैं साथ, ये ही ले लेते हैं, वो कह रहे हैं एक्सचेंज हो जाता है, ले लेते हैं फिर यही। तो फाइनली चीज़ें वगैरह तो सारा कुछ ले लिया मैंने, तो भाई टोटल वगैरह कह रहे हैं। ये पैक करते हैं, अभी मैं ये जाके लाया हूँ बाइट से। तो ये पहले मुझे स्टोर से तो ये मिली नहीं थी, यही चाहिए थे ना आपको? हाँ नहीं, यही। ये जो मम्मा बना रही है खीर, खीर बना रही है, फिर नहीं बना रही। ये शराब जो आंटी के यहाँ से दूध लेके आया था वो पड़ा था, मैंने कहा चलो फिर भी बन जाएगी। टाइम लग जाता है 2-3 घंटे तो मस्त है, क्योंकि आँख पर बनती रहती है। वो मुझे पानी डाल के दो ना, ये बादाम जो है ना वो डालती हूँ मैं। ये जी मेरी अम्मा जी ने मुझे बोला था कि मुझे पानी दो, तो अब इनको दे रहे हैं पानी, बड़ा है इतना ज़्यादा, सिर्फ एक ग्लास पानी चाहिए। और इसलिए कि ये जो बादाम है, ये जो आप लेके आए हो, बहुत है। चलो क्योंकि फिर छिलके उतर जाएंगे ना, छिलके तो बीच में छिल नहीं लगते। हमारी अभी स्वीट तैयार हो जाएगी,
बड़ी जबरदस्त सी करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ जी बकरी है, खीर बड़े जोशो खरोश से। खीर है, फिरनी है? फिरनी है, फिरनी है। फिरनी और खीर में फर्क होता है? हाँ जी। तो ये बन रही है यहाँ पर? खीर जो होती है ना, वो चावल जो है ना, इतने पीसने नहीं पड़ते, तो जो टोटे टाइप के चावल होते हैं वो डाल देते हैं। पिजरेले का और साग है, खीर का और है, फिरनी का और है। फिरनी में ये पाउडर डलता है ना, ये क्योंकि मैंने ये चावलों का भी पीस लिया था ये, लेकिन आप ये ले आए हो, ये मैंने डाल दिया। कितना टाइम लगेगा? लग जाएंगे 2 घंटे आराम से, क्योंकि जितनी ये हल्की आंच पर होगी ना उतनी जबरदस्त बनेगी। इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं मम्मा की कहां तक पहुंची है। बस तकरीबन हो गई है रेडी, सिर्फ 10 मिनट तक ये मीठा चक्कर हो। हाँ करा दें। बिस्मिल्लाह। अभी आपने जज करनी है कि कैसे बनी अम्मा की खीर। अम्मा की खीर तो अच्छी होती है। अम्मा की फिरनी कैसी बनी? ठंडी हो गई ना थोड़ी सी। हाँ ये जब मैं इसका मीठा टेस्ट करता हूँ कि सही है। सही टेस्ट कैसा? A1। अरे वाह, वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। मीठा भी सही है, बराबर है। ओके, कमाल कर दिया जी। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। बना तो घर में, इधर उधर पूरे घर में, नीचे तक, मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, पूरे घर में खुशबू माशाल्लाह फैली हुई है। रेडी हो गई? हां, मुझे डालना थोड़ी सी। ओके, थोड़ी करे ना, इतनी नहीं मैंने खानी, काफी है। ओके, थोड़ी ठंडी हो ले, अब मिलते हैं खाने के बाद, क्योंकि जान नहीं लगती है। मैं अभी ऊपर आके बैठा हूँ, जो कि मौसम अब हल्का हल्का ठंडा ठंडा फील होता है। जब जूँ जूँ रात पड़ती है तो सर्दी फील होने स्टार्ट हो जाती है। तो मामा ये बैठी हुई हैं, मैंने कहा सब्जी काटनी है तो क्यों ना ऊपर चली जाए। परिंदों की आवाज़ें भी आ रही है और माशाल्लाह चारों तरफ हरियाली है, गांव जैसा माहौल है, अच्छा लग रहा है। तो मैं इधर बैठ के सब्जी की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनानी है अरबी और आटा गूंथ के रख ली है। आपने अगर चाय पीनी है तो बना लो और आप भी पी लो, हम भी। चाय तो मैं पीऊँगा, लेकिन अभी दिल तो कर रहा है, लेकिन अभी जाने का दिल नहीं कर रहा नीचे, क्योंकि आज काफ़ी देर आप सोए रहे हो। मैंने भी नहीं जगाया, मैंने कहा चलो सोए हो सोए रहो, कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है ना। ये जी रात की रानी है, रात को इतनी खुशबू उसकी होती है, उसके पौधे का नाम ही रात की रानी है, बड़ी रात को खुशबू हो जाती है उसकी। तो ये छत के ऊपर तो रात को ऐसे ही होता है जैसे सहना होता है। अभी टाइम हो रहा है जी चाय का, ठंडा ठंडा मौसम और चाय और साथ मज़ा ही अपना, ये मेरी है और ये मामा की। ये ले मामा पिए। थैंक यू। कोई नहीं, कैसा लग रहा है आपको? रात बड़ा चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। कोई नहीं, चाय तो हमारी कमजोरी है इस टाइम, क्योंकि हमने सुबह दोपहर शाम रोटी ना मिले खैर। सो आप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। देखा आज मामा ने बहुत ही मज़े की और यमी टाइप की फिरनी बनाई और हमें खिलाई, तो आज भी हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा किया, चिल किया, इंजॉय किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, और अपनी अच्छी दुआओं में याद रखें। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, टाटा, गुड बाय।